सिंगरौली में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कमलनाथ चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि इस बार चुनाव की रणनीति क्या होगी और कांग्रेस सत्ता में आने पर जनता के लिए क्या करेगी। पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल ने बताया कि कमलनाथ सिंगरौली में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और नारी सम्मान योजना के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही वो पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बताएंगे कि कैसे शिवराज सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएं। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस बूथ स्तर तक अपना संगठन मजबूत करेगी। साथ ही हम जनता को बताएंगे कि भाजपा आपको कैसे चल रही है और कांग्रेस सरकार आते ही कौन कौन सी योजनाएं हम लागू करेंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार का कुशासन है, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इन सब बातों को लेकर माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे और मंडलम सेक्टर के पदाधिकारियों के साथ भी संवाद करेंगे और साथ ही साथ हमारे जो आदरणीय पत्रकार साथी हैं सिंगरौली जिले के, उनके साथ पत्रकार वार्ता भी करेंगे। तो ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे यहाँ पर आ जाएंगे और सबसे पहले पत्रकार वार्ता होगी, उसके बाद मंडलम सेक्टर के पदाधिकारियों के साथ संवाद होगा, उसके उपरांत विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके बनी है और जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही वचन पत्र जो कांग्रेस सरकार ने वादा किया था उसको पूरा करने का, साल भर में चाहे किसान कर्ज माफी हो, 100 रुपये 100 यूनिट बिजली का हो, गौशाला बनाने का हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने से लेके आपका कन्या विवाह की राशि 51,000 रुपये किया था, तेंदुपत्ता का लाभांश 2,500 रुपये कर दिया था, ऐसे बहुत सारे काम बहुत कम समय में कांग्रेस सरकार ने पूरा किया था। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।